कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? मैं जब 19 साल की थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि OTT पर रिलीज होने वाली मूवीज और वेब सीरीज को देखने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन MX Player एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारी मूवीज और वेब सीरीज को हम फ्री में देख पाते हैं। इसलिए आज हम आपको MX Player पर रिलीज हुई कुछ इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी है ये वेब सीरीज। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। नंबर 1 पर है बिहड़ का बागी। नवंबर 2020 में रिलीज हुई ये वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर और एक्शन पर। दोस्तों, आपने ये नाम बचपन में कहानियों में जरूर सुना होगा। ये वेब सीरीज भी उसी कहानी पर बेस्ड है। वेब सीरीज की स्टोरी एक बागी पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं उसकी लाइफ को दिखाती है। वेब सीरीज के टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, जो आपको बेहद पसंद आने वाले हैं, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 7.8 की। बागी बोल बोल के कई बार उठा ले गए दादा। मजबूरी की वजह से तो बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए तो फिर तो लानत। दद्दू के फरमान का मतलब बिहड़ का कानून, फिर चाहे जो भी आ जाए। नंबर 2 पर है समांतर। मिस्ट्री और ड्रामा पर बेस्ड ये वेब सीरीज भी 2020 में रिलीज की गई थी। वेब सीरीज की स्टोरी एक नॉर्मल इंसान की है, जो पैसों की तंगी से परेशान है और अपना भविष्य देखने के लिए एक बाबा के पास जाता है, लेकिन वहां से उसे कुछ अजीब और हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं। मूवी की मिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको वेब सीरीज में अंत तक बांधे रखती है, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 7.8 की। मेरी जिंदगी में आज कल परसों जो जो होने वाला है वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। मैंने इससे पहले अपना हाथ किसी को नहीं देखा। वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। सुदर्शन चक्रपाणी, जो उसका भूतकाल था, वही तुम्हारा भविष्य काल है। नंबर 3 पर है रक्तांचल। रक्तांचल 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम एक्शन वेब सीरीज है, जो 80 के दशक में पूर्वांचल में घटित एक रियल लाइफ स्टोरी है। वेब सीरीज में बहुत सारा खून खराबा, या फिर कह सकते हैं गैंगवार देखने को मिलता है। अगर आपको मार धार, गोली बंदूकबाजी जैसी वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 8.1 की। आपने प्रसाद लिया? केवल प्रसाद से काम नहीं।